नमस्कार, मैं सोनल मानसिंह। आज उत्कलिका कार्यक्रम यहाँ पर हुआ हैबिटेट सेंटर में, और आज का जो उड़ीसा है उसके दो और पुराने नाम हैं। एक है कलिंगा, जो अशोक की वजह से जाना गया इतिहास में, लेकिन उत्कल वो भी उसका बहुत प्राचीन नाम है, और उत्कलिका तो जो कलियां कला की विद्या की खिली है उत्कल में, उसी लिए इसको कलियों को चुन के हमने हार दिया। और उत्कलिका में उड़ीसी नृत्य व संगीत का संयोजन किया, आज उसका प्रदर्शन हुआ। उड़ीसी वैसे तो बहुत वर्षों से प्रचलित हो चुका है, लेकिन ऐसा है कि उसमें भी बहुत नए नए आयाम जोड़ते गए, जिसको मैंने सीखा और जिसमें मेरी श्रद्धा है वो है कुछ परंपरागत, क्योंकि परंपरा यदि छूट जाए तो वृक्ष गिर जाता है, कला का वृक्ष, विद्या का वृक्ष। तो खैर, आज हमारा मंगलाचरण तो हमेशा होता ही है, ऑस्पिशियस बिगिनिंग, क्योंकि बिना ईश्वर को याद किए, बिना सर्वशक्तिमान शक्ति को याद किए हमारी परंपरागत कलाएं निखरती नहीं है। और उसमें तो पहले रावण रचित शिव का तांडव स्तोत्र उससे लिया था, शिव तो नटराज है, लेकिन नटराज के बाद देवी का बहुत आना आवश्यक है। शक्ति के बिना शिव नृत्य भी नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसके बाद आदि शक्ति का वर्णन था। और फिर जयदेव के गीत गोविंद के बिना फिर उड़ीसी अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो जो पहली अष्टपति है, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय संगे, कभी वसंत ऋतु का आगमन तो हो चुका है, और वसंत ऋतु का ही उसमें इतना सुंदर वर्णन है जो राधा को उनकी सखी सुनाती है, बिकॉज द सखी इज वेरी नटखट। वो देखती है कि राधा ग्लानी में बैठी हुई है, कृष्ण कहीं और है, तो वसंत ऋतु का वर्णन करती है। और उसके बाद ये उसी गीत तो गोविंद का जो पहली स्तुति है वो दशावतार है, लेकिन जो दूसरी स्तुति है वो भी उतनी ही सुंदर है। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे, तो उसने हरि के साथ जय जय देव भी अपना नाम भी जोड़ दिया, हरि का दास जय जय देव जय देव। उसके बाद मैंने कुछ अरसे के बाद प्रस्तुति की आज उड़ीसी में, वो है विष्णु के 16 नाम, विष्णु के अनंत नाम है, असंख्य नाम है हमारी देवी के, हमारे शिव के, विष्णु के भी असंख्य नाम है। उसमें से जो 16 नाम चुने गए हैं इस स्तोत्र में, वो ऐसे हैं कि आप, इसका मकसद ये है, संदेश ये है कि जीवन के हर पल में, हर कार्य में, हर वक्त, हर संयोग में, यदि आप उस शक्ति का, विष्णु हो चाहे जो हो, जिनको आप मानते हैं, उनका नाम लेते रहें, तो काफी कुछ संकट टल जाते हैं, विघ्न बाधाएं टल जाती हैं, और आपका चित्त प्रफुल्लित रहता है। तो विष्णु के 16 नाम, जो शुरुआत हुई औषध लेने के टाइम में, आप बीमार हैं, दवाई लेनी है, उस वक्त क्या नाम विष्णु लेंगे, भोजन के पहले नाम लेना चाहिए, आप प्रवास में जर्नी में निकल रहे हैं, आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, आग लगी हुई है, या आपको जो स्वप्न आता है, नींद नहीं आती, खराब स्वप्न आते हैं, या आपके पानी में आप डूब रहे हैं, और विवाह के समय प्रजापति को याद करना है, और जब प्रियतम या प्रिया के साथ मुलाकात होती बिलवेट, तो प्रेम में भी आपको ईश्वर को याद रखना है, क्योंकि उस शक्ति के बिना हृदय में प्रेम नहीं उमड़ता। तो ऐसे 16 नाम, और आखिर में जो है कि दुख में हम लोग अंत नहीं करते हैं, भारतीय परंपरागत कला है। तो जो 15वां नाम है वो है नारायण, मृत्यु के समय कान में नारायण नारायण बोलते हैं,
और 16वां नाम है माधव का। हरेक कार्य में और कोई नाम न सूझे तो माधव माधव सर्व कार्य शु माधव। और माधव क्यों? क्योंकि मधु यानी शहद, द स्वीटनेस ऑफ क्रिएशन, मधु से माधव, दैट हु इज स्वीट एज हनी, तो इसीलिए माधव को अंत में। और विष्णु षोडश नाम सूत्रम के बाद हम लोगों ने रूप में अंत किया है कि जगन्नाथ प्रभु की महिमा पुरी के मंदिर में है और उन्हीं के स्तोत्र से, उन्हीं के नृत्य से, संयोजन से आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ था। तो एक तरह से ये है कि मैंने शुरू में ही कहा था कि पुलवामा का जो हादसा भयंकर हुआ है, उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि फूलों से, शब्दों से, स्लोगन से, तरह तरह के लोगों के जो भाव उमड़ रहे हैं, कलाकार का भाव कला के द्वारा, कला की श्रद्धांजलि, कलांजलि, उसकी श्रद्धांजलि आज हमने आत्मा की शांति के लिए प्रस्तुत की। इस प्रार्थना के साथ कि जो अनिष्ट तत्व हैं वो अनिष्ट को, असुरों का वो कालेपन का संहार हो, मिट जाए, शत्रु जित अरिजित शत्रु दमन सर्व दमन, ऐसे ईश्वर की आज हमने प्रार्थना की है कि हमारे जो भाई बेटे सब जा रहे हैं अपनी शरण में ले लो और अब से भारत को इतना मजबूत बनाओ कि कोई आंख उठा के ना देख सके। यही हमारा आज का कार्यक्रम। थैंक यू।